हे hey दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें आपका खाना पीना दुश्वार हो जाता है, आपको खाने पीने में दिक्कत होने लगती है, आपको सटकने में, आपको थूक सटकने में, आपको पानी पीने में, आपको खाना खाने में दिक्कत होती है। दरअसल इस बीमारी का नाम है टॉन्सिलिटिस। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि टॉन्सिलिटिस होता क्या है। देखो, एक ऐसी कंडीशन आती है जब आपको खाना पीना दुश्वार हो जाता है। तो इसमें होता यह है कि गले के अंदर, कभी आप ध्यान से देखना, दो टॉन्सिल होते हैं, तो उस टॉन्सिल में जो है ना स्वेलिंग आ जाती है। अब वो स्वेलिंग आती किस वजह से है, या तो आपके खाने पीने में दिक्कत है, आप फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हो, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, तो उसकी वजह से भी कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है। तो स्वेलिंग जो आती है टॉन्सिल में, कभी कभी जो टॉन्सिल होते हैं वो एकदम लाल पड़ जाते हैं, और कभी कभी उनमें फंगस भी जम जाता है। यानी कि अपने कभी ध्यान से देखना, टॉर्च जलाकर एकदम वाइट वाइट हो जाते हैं। तो उसमें हमारी जो है, हम उसमें दवाई देकर आपको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये कन्फर्म करना है कि वो आपके टॉन्सिल ही हैं या फिर कुछ और है। तो देखो, खाने पीने में आपको दिक्कत होगी, यहाँ पर दर्द होगा, ऐसे घुमाने में और ऐसे घुमाने में, गर्दन घुमाने में भी दर्द होगा, और पानी पीने तक में दिक्कत आएगी, थूक सटकने में भी दिक्कत आएगी, और खाना खाना तो एकदम दुश्वार हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि आपको टॉन्सिल की दिक्कत है, उसके बाद हम इसका इलाज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी यह रहता है कि टॉन्सिल में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई, ठंडे पानी से दूर रहना। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी फोर्स करे, कोल्ड ड्रिंक तो पीना ही मत, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना, वरना लंका लग जाएगी। उसके बाद थोड़ा हल्का खाना खाना, ये नहीं कि चाउमीन खा ली, बर्गर खा लिया, मोमोज की चटनी खा ली, नहीं, बिल्कुल नहीं खानी है। मतलब चॉकलेट भी नहीं खानी, चॉकलेट भी मतलब उस वो जो बैक्टीरिया है अंदर जो बैठे हैं टॉन्सिल में लिपटे हुए, उन्हें तो मीठी चीज़ देनी ही नहीं है। इससे बेहतर यह है कि गर्म पानी लेकर कुल्ला करो, गरारे करो, गार्गल्स करो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठंडे पानी से एकदम दूर रहना है। अच्छा, अब सवाल यह है कि कब तक दवाई खानी पड़ेगी। देखो, दवाई लगभग एक हफ्ता तो खानी पड़ेगी टॉन्सिल अगर जड़ से ठीक करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन दवाई खाकर बैठ गए, आपको कुछ आराम मिला, लेकिन आपसे आपने दोबारा वही रूटीन फॉलो करना चालू कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। टॉन्सिल दोबारा से उभर आएंगे और आपकी लंका लगाकर छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ ले सकते हो। सबसे पहले आपको लेनी है टैबलेट फ्लोजन डबल ए, इसमें एसिक्लोफेनेक, सरपेप्टाइडेस और पैरासीटामोल है। तो ये काफ़ी असरदार दवाई साबित हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी जब टॉन्सिल की दिक्कत होती है तो मैं भी इसे यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपको लेनी है सिफेक्सिम या एजिथ्रोमाइसिन, या इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन एक ही टैबलेट में मिल जाए, सिफेक्सिम प्लस एजिथ्रोमाइसिन का, तो एकदम बल्ले बल्ले हो जानी है। उसके बाद आपको लगाना है पेंटोप डीएसआर, कोई सा भी डीएसआर कैप्सूल आपको ज़रूर लगाना है, ताकि आपके पेट की एसिडिटी कंट्रोल में रहे, आपको इरिटेशन महसूस ना हो एंटीबायोटिक्स खाने के अलावा, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन जो गोली है काफ़ी हार्ड टैबलेट मानी जाती है, तो पेट में कभी कभी इरिटेशन पैदा कर देती है, तो उसके लिए हमें पेंटोप डीएसआर जरूर लगाना पड़ेगा। तो वो बात आप ध्यान रखना। अच्छा, ये जो मैंने अभी गोली बताई है, ये सिर्फ एडल्ट के लिए है, बच्चों का इसमें कोई डोज नहीं है। एडल्ट यानी कि 18-19 साल के ऊपर के लोग इसे ले सकते हैं। और दोस्तों, टॉन्सिल की अगर दिक्कत ज़्यादा है, तो हमें ये जो टैबलेट है दिन में 3 बार चलानी पड़ सकती है, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में और रात को सोते समय, तो भी आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और दोस्तों, मेरी राय तो ये है कि जो ये टैबलेट मैंने बताई है, हो सके तो एथिकली यूज़ करना, क्योंकि जेनेरिक में इसका देखा गया है कि रिजल्ट बहुत देर से मिलता है। ऐसा ना हो कि आप दवाई खा रहे हो, आपको रिजल्ट ना मिले, फिर आप कहो कि दवाई कुछ असर नहीं कर रही। तो एथिकली यूज़ करना, जल्दी आराम पड़ेगा। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, टॉन्सिल की जो दिक्कत होती है ना, अगर आपकी कुछ ज़्यादा ही स्वेलिंग आ रही है ना टॉन्सिल में, इसका ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और ये जो आपके दो टॉन्सिल होते हैं ना गले में, इसको ऑपरेशन करके आपका डॉक्टर इसको निकाल फेंकेगा। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि आप जो भी खाओगे ना, डायरेक्टली आपके पेट में जाएगा, तो हो सकता है टॉन्सिल निकलने के बाद वो सारा फंगस आपके गले में ही जम जाए और आपकी मृत्यु जल्दी हो जाए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, इसलिए भैया हाइजीनिक फूड खाओ, तमीज का खाओ, ये नहीं कि कुछ भी ठूस लिया है ना, तो बैलेंस डाइट रखो, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है, अगर कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, बाय बाय।